हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम एडवांस जावा फॉर डिप्लोमा की फोर्थ लेक्चर को देखने वाले हैं। इस लेक्चर में हम जो टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं वो AWD कंट्रोल्स एंड लेआउट मैनेजर्स के बारे में। इन दो टॉपिक्स को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। हो सकता है कि ये जो लेक्चर है हमारी, ये दो पार्ट में बने, और ये हमारी पहली पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम हाफ टॉपिक को कवर करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स एक साथ आप कवर नहीं कर सकते और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। इसकी वजह से हम इस वीडियो को दो पार्ट में बना रहे हैं, मतलब लेक्चर फोर्थ जो हमारी होगी वो दो पार्ट में आएगी। तो सबसे पहले हम AWT कंट्रोल्स को पढ़ने से पहले हमें ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि AWT क्या होता है। बहुत सारे लोग इसमें ही कंफ्यूज होते हैं कि AWT, लोगों ने फुल फॉर्म याद रखा है कि AWT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूलकिट। बट AWT का मतलब क्या होता है, उसको हम क्यों यूज़ करते हैं, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आपकी जो एग्ज़ाम होती है MCQ क्वेश्चंस, उसमें क्वेश्चंस बहुत ही ट्विस्टेड आते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि AWT से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको आएंगे, 100% आएंगे। वो जो क्वेश्चन आएंगे मैं आपको अभी बताने वाला हूँ इस लेक्चर में। सबसे पहली चीज़ कि AWT जो होता है वो एक API है। API का फुल फॉर्म क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। API हम क्यों यूज़ करते हैं, देखो यार, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं, कोई वेबसाइट बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए पहले से प्री बिल्ड API अवेलेबल्स हैं। API मतलब API इज़ अ पीस ऑफ कोड, यू कैन से API इज़ अ पीस ऑफ कोड, कि वो पहले से बने बनाए हैं, उनको आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हो, इंटीग्रेट करते हो, ताकि आपको वो सारे कोड्स लिखना ना पड़े। उसको हम लोग बोलते हैं API, एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूलकिट। AWT ऐसा ही एक API है जावा प्रोग्रामिंग में, जिसको हम यूज़ करते हैं अपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए। अब AWT कंट्रोल्स क्या क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं कंट्रोल्स का मतलब क्या क्या होता है। कंट्रोल्स का मतलब क्या होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो, जो भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, उसको बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। जैसे आपको कंपोनेंट्स हो गए, लेआउट्स मैनेजर्स हो गए, उन सारी चीज़ों को हम कंट्रोल्स बोलते हैं, क्योंकि वो सारे चीज़ें AWT के अंदर आती है। तो AWT के वो कंट्रोल कहलाते हैं जो हमें मदद करते हैं अपने सॉफ्टवेयर, अपने प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। तो अभी AWT की जो हायरकी होती है उसको हम एक बार थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। सबसे पहला आता है ऑब्जेक्ट। ये जो आप चीजें देख रहे हो, ये जो सेक्शन है आपका ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के बाद आता है कंपोनेंट। कंपोनेंट से दो चीज़ें निकलती, सबसे पहला आता है कंटेनर, जो यहाँ पे आप एक एरो देख रहे हो, देन आता है यहाँ पे कंपोनेंट्स, यहाँ पे बटन टेक्स्ट फील्ड, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। देन उसके बाद कंटेनर से दो चीज़ें निकलती, एक होता है विंडो, एक होता है पैनल। विंडो से फिर एक चीज़ निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम, और पैनल से एक चीज़ निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं लेआउट पैनल्स। ये है AWT की हायरकी। अब इसको याद रखना है या क्या करना है, अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो तो आपको इसको याद रखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। इससे कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं डिप्लोमा एग्ज़ाम में, मैं आपको बता देता हूँ। इससे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि जो कंटेनर होता है, ये जो कंटेनर है इसका बेस क्लास कौन सा है, तो इसका आंसर होगा कंपोनेंट, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि कंपोनेंट से ड्राइव होकर कंटेनर आया। ये क्वेश्चन अगर आपको नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर लो, अदरवाइज जब हमारी वेबसाइट आएगी नेक्स्ट मंथ तो आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे वहाँ पे। बट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कंटेनर का बेस क्लास कौन है, तो आप उसमें कंपोनेंट का आंसर दे सकते हो। विंडो और पैनल कौन से बेस क्लास से बना है, तो उसका आंसर होगा कंटेनर। ऐसे इस हायरार्की पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब हम इस हायरार्की को समझते हैं कि एक एक चीज़ को क्या क्या है। सबसे पहले हम आते हैं इस पे, ऑब्जेक्ट पे, कि ऑब्जेक्ट क्या है। जब भी हम कोई जावा प्रोग्रामिंग करते हैं तो कुछ भी हम क्लासेस यूज़ करते हैं, तो उसका हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो क्लास की प्रॉपर्टीज़ होती है हम उसको एक्सेस करते हैं अपने प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट की मदद से, इस वजह से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये ऑब्जेक्ट वही है यहाँ पे। अब हम आते हैं कॉम्पोनेंट के बारे में बात करते हैं। कॉम्पोनेंट क्या होता है, कॉम्पोनेंट मैंने पहले लेक्चर्स में बताया, कॉम्पोनेंट वो चीज़ होती है जिसको हम कलेक्ट करके, रिकलेक्ट करके हम प्रोग्राम अपना बिल्ड करते हैं। तो कंपोनेंट के अंदर दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन चीज़ों के बारे में, जो हमारे ग्राफिकल कंपोनेंट्स बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं UI, यूज़र इंटरफेस कंट्रोल्स जिसको हम बोलते हैं। इसमें हम बटन, टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं UI कंट्रोल्स। देन आता है कंपोनेंट के अंदर कंटेनर। कंटेनर क्या होता है, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कंटेनर क्या होता है। कंटेनर का मतलब होता है एक ऐसी कॉन्सेप्ट, एक ऐसा एरिया जहाँ पे हमने UI एलिमेंट्स को, अपने प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स को रखते हैं तो, और डिज़ाइन करते हैं प्रोग्राम को, उसको हम लोग बोलते हैं कंटेनर। सपोज़ करो ये स्क्रीन, ये जो बोर्ड दिख रहा है आपको, एक कंटेनर है।
ये एक सेक्शन हुआ सेक्शन वन, ये एक सेक्शन टू। तो ये सारी चीज़ें इसकी सेक्शंस हो गया और ये कंटेनर हो गया। कंटेनर का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम अपनी चीज़ों को स्टोर कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं कंटेनर। देन कंटेनर के अंदर दो तरीके के कंटेनर होते हैं, एक होता है विंडो, एक होता है पैनल। विंडो और पैनल मैंने पहले भी डिफरेंस बताया है आपको कि विंडो क्या होता है, पैनल क्या होता है। विंडो के अंदर देन फ्रेम होते हैं, लेआउट पैनल्स होते हैं, ये सारे इसके टाइप्स हैं बेसिकली। तो ये जो है ये हायरार्की है AWT कंट्रोल्स की। इसको इसके लिए आपको, अगर आप एडवांस डिप्लोमा के एग्ज़ाम दे रहे हो, आपके जो पेपर एडवांस जावा की पेपर है, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इससे जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन एक 100% क्वेश्चन आएगा कि AWT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट याद रखना आप लोग। देन ये क्वेश्चन आएगा बेस क्लास से कि कंपोनेंट का बेस क्लास कौन सा होता है, कंटेनर का बेस क्लास कौन सा होता है, देन विंडो पैनल का बेस क्लास कौन सा होता है, फ्रेम किस क्लास से डिराइव होता है, या फिर विंडो से कौन सा क्लास डिराइव होता है। इस टाइप की सिचुएशन इस हायरार्की पे आ सकते हैं आपको। तो ये थे 3 से 4 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से 100% आएंगे। बट अगर आपको क्वेश्चंस नोट डाउन करने का नहीं हो पाता, आपसे नहीं हो पाती इन चीज़ें, तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके आप सारे क्वेश्चंस ले सकते हो। वेबसाइट बेसिकली नेक्स्ट मंथ तक वेबसाइट आ जाएंगी। अगर आपको वेबसाइट की अपडेट सबसे पहले चाहिए होगी तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम पर मिलते रहा करें। उसके बाद हम बात करते हैं AWT कंट्रोल्स के बाद हम बात करते हैं लेआउट मैनेजर्स की। सबसे पहले लेआउट क्या होता है, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पर सपोज़ करो हमारे पास 3-4 बटन्स हैं, ठीक है। सपोज़ करो हमारे पास एक बटन ये है B1, B2, B3, ठीक है। ये हमने कैसे सेट किया B1, B2, B3 को, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, ठीक है। बट अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे देखते हो कि जहाँ पे ये बटन इसके बगल में भी होते हैं, B2 यहाँ पे भी हो सकता है, B2 यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। बेसिकली लेआउट क्या होता है, लेआउट एक अरेंजमेंट है। जब भी आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हो, कोई भी यूज़र इंटरफेस क्रिएट करते हो, तो आप उसको एक अरेंजमेंट देते हो, एक तरीका होता है हर चीज़ को सेट करने का, कि सबसे पहले नेम यहाँ होगा तो टेक्स्ट फील इसके बगल में आएगा, इसके नीचे 2 बटन्स होंगे। तो ये सब जो अपने जो कंपोनेंट्स को आप अरेंज करते हो एक स्पेसिफाइड मैनर में, उसको हम बोलते हैं लेआउट। हम जनरल लाइफ में भी ये बहुत जगह पे बोलते हैं कि इस घर का लेआउट बहुत मस्त है, इस घर का लेआउट ऐसा है कि यहाँ पे 2 रूम है, देन हॉल होगा, देन किचन होगा। सेम वही चीज़ें होती हैं जावा प्रोग्रामिंग में भी। जैसे मैंने सेट किया यहाँ पे एक बटन यहाँ पे आया, एक बटन यहाँ पे, एक बटन यहाँ पे आया। जैसे हमने इसको वर्टिकली सेट किया, अगर सपोज को हमें हॉरिजॉन्टल सेट करना होता तो हम ये करते, ये प्रोसेस करते ऐसे ऐसे करके। तो इन सब की जो अरेंजमेंट होती है, जो कंट्रोल्स की अरेंजमेंट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं लेआउट। लेआउट के अंदर वो सब चीज़ें आती है। और लेआउट मैनेजर क्या होता है, देखो लेआउट एक तरीके की हो नहीं सकती। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो हर अरेंजमेंट के लिए एक स्पेसिफिक लेआउट को बनाई गई है, मतलब हर एक पर्पज़ के लिए। सपोज़ करो आपको हॉरिजॉन्टल यूज़ करना है, वर्टिकल यूज़ करना है, आपको कम्प्लीटली फ्री स्टाइल का स्ट्रक्चर यूज़ करना है, तो उसके लिए एक अलग लेआउट है, उसको हम लोग बोलते हैं लेआउट मैनेजर, जो लेआउट को मैनेज करता है। सपोज़ करो आपने एक लेआउट लिया फ्लो लेआउट, जिसको मैं आगे बताऊँगा आपको फ्लो लेआउट क्या होता है। सपोज़ करो आपने फ्लो लेआउट लिया, तो फ्लो लेआउट को मैनेज करने के लिए कुछ तो लेआउट मैनेजर आपको चाहिए होगा, उसी को हम बोलते हैं लेआउट मैनेजर, जो फ्लो लेआउट को मैनेज करेगा, जो उसके सारे फंक्शंस को मैनेज करेगा, उसको हम बोलते हैं लेआउट मैनेजर। अब लेआउट का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जावा प्रोग्रामिंग, मैं आपको वो समझाता हूँ। अगर सपोज़ करो 2 मिनट के लिए कि लेआउट नहीं हो, अगर लेआउट एग्जिस्ट नहीं करता, लेआउट ऐसे कोई भी कॉन्सेप्ट ना हो, तो कैसी प्रोग्रामिंग होगी आपकी। सपोज़ करो आपको 2 बटन्स बनाना, तो एक के नीचे एक बटन आएगा, दूसरा बटन इसके नीचे आएगा, फिर तीसरा बटन इसके नीचे आएगा। क्या ये पॉसिबल है कि आप पूरी सॉफ्टवेयर इस मैनर में बना सको? नहीं बना सकते बेसिकली। अगर सपोज़ करो आपका स्क्रीन ये साइज़ है, अगर आपको छोटे छोटे 2 बटन्स लेने, तो आप यहाँ पे लोगे, यहाँ पे लोगे, ठीक है। अगर आपको वही सेम लॉगिन फॉर्म बनाना, तो लॉगिन फॉर्म कैसी होती है, अगर मैं आपकी लॉगिन फॉर्म की बात करूं, तो लॉगिन फॉर्म मैं आपको बना के दिखाता हूं। लॉगिन फॉर्म कैसी हो सकती है, यहां पे हम नेम डालते हैं, ब्लैंक स्पेस डालते हैं, या फिर यहां पे पासवर्ड डालते हैं, ब्लैंक स्पेस डालते हैं, यहां पे एक लॉगिन का, यहां पे साइन अप का, यहां पे फॉरगेट पासवर्ड,
ये एक बेसिकली एक सिंपल सा होम पेज होता है लॉगिन का, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लेआउट का कॉन्सेप्ट भूल जाओ तो कैसे होगा, नेम के जस्ट नीचे आपको ये ब्लैंक स्पेस होगा, देन पासवर्ड देन उसके नीचे। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि जो अरेंजमेंट है वो सही से नहीं हो पाएगी। इस अरेंजमेंट को और अच्छा बनाने के लिए, और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए हमने लेआउट का कॉन्सेप्ट देखा है कि लेआउट हर पर्पस के लिए अलग लेआउट बनती है और हर तरीके के लेआउट होते हैं। बेसिकली 4 से 5 टाइप्स के आपको लेआउट जावा में पढ़ने हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये इस वीडियो में हमने पढ़ा तो बहुत लंबी लंबी वीडियोस बन जाती है। आई होप आपको सबसे पहले AWT कंट्रोल्स, जो पूरी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, उसके बाद आपको लेआउट मैनेजर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा कि लेआउट मैनेजर होता क्या है और लेआउट हम काम यूज़ क्यों करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम लेआउट मैनेजर्स, लेआउट के टाइप्स को पढ़ेंगे, देन हम लेआउट के प्रोग्राम को भी देखेंगे, लेआउट के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको हम लिखते कैसे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि लॉकडाउन में जो जिनका कॉलेज मिस हो रहा है उनको सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स टाइम पे मिलते रहा करें। और एक बात और, बहुत सारे लोग कंटिन्यू लेक्चर्स के लिए बोलते रहते, बट मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, इस वजह से लेक्चर्स टाइम